नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 22 जुलाई से 28 जुलाई 2019 के लिए होगा। ये राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बात शेयर कर दूं, जो अपने हर राशिफल के वीडियो में शेयर करता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि आपको ग्रहों के गोचरों की ही गणना करनी है तो चंद्र कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए। ये जो राशिफल होते हैं, चाहे आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों पर ही आधारित होते हैं, और चूंकि ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं इस वजह से सामान्य स्तर पर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसे जाने वाला है। सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं कि इस सप्ताह कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्ति के योग मुझे नजर आ रहे हैं। आपको जिस क्षेत्र में नीड है, जिस क्षेत्र में जरूरत है, वहां पर आपको सहयोग मिले। उदाहरण के तौर पर आप बिजनेस करना चाहते हैं, धन की जरूरत है, आपको धन परिवार की तरफ से आपको मिल जाए। लंबे समय से आप कन्विंस करना चाह रहे थे लेकिन आपको धन नहीं मिल पा रहा था, तो अभी परिवार की तरफ से आपको धन मिल जाए। नहीं परिवार की तरफ से तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जैसे लोन का इंतजाम हो जाए और आपको वहां से धन मिल जाए, तो धन या फिर आर्थिक सहयोग इस तरह से मिल जाए, या फिर मानसिक सहयोग किसी तरह का हो सकता है, नैतिक सहयोग हो सकता है, शारीरिक सहयोग हो सकता है, तो किसी भी तरह से आपको यहाँ पर सहयोग मिले, ऐसे योग दिखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यदि हम नौकरी और व्यवसाय की बात करते हैं तो वही बात मैं दोहराऊंगा कि यदि आप कहीं नई योजना बना रहे हैं या फिर नौकरी लगने का सोच रहे हैं, लंबे समय से नौकरी लगने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर किसी के सहयोग से अच्छे पद पर नौकरी लग जाए। यदि आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी का सहयोग मिलकर आपका प्रमोशन हो जाए। इंक्रीमेंट या अप्रेजल के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी का सहयोग मिलकर आपको वो चीज में आपको सक्सेस मिल जाए। कहीं बिजनेस में आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बड़ी कंपनी का कोई ऑर्डर लेना चाह रहे हैं या बड़ी कंपनी का स्टॉकिस्ट बनना चाह रहे हैं किसी भी तरह से, तो वहां पर भी आपको आपका सहयोग मिल जाए, कोई आपका रेफरेंस दे करके और आपका काम बना दे, तो इस तरह से सहयोग मुझे मिलता हुआ नजर आता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि मेहनत कीजिए और सफल बनिए, क्योंकि समय आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिखता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। आपके यदि यहाँ पर कहीं एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। यदि एग्ज़ाम आने वाले वक्त में होने वाली है तो भी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम दे करके रखिए। रिजल्ट आने वाला है तो भी कॉन्फिडेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए, आपको यहाँ पर सक्सेस जरूर से मिलेगी। यदि हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, तो भाई देखिए, पहले कह दिया कि सहयोग मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, संबंध और ज़्यादा मधुर होंगे, संबंध मधुर होने के साथ साथ परिवार का साथ मिलेगा, जिससे आपकी मानसिक संबलता जो है वो और ज़्यादा विकसित होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा विकसित होगा परिवार के साथ की वजह से। तो ओवरऑल आपका परिवार, परिवार का साथ, परिवार से बढ़ता हुआ प्रेम, मधुरता, ये मुझे ज़्यादा यहाँ पर इस समय के लिए नज़र आ रही है। इसके बाद यदि चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की, तो भाई स्वास्थ्य जो है वो आपका अच्छा रहेगा, बड़ा चढ़ा रहेगा। जब सहयोग मिलता है ना तो मानसिक तौर पर बड़ी शांति रहती है, बड़ी खुशी रहती है, उत्साह भी इवन कभी कभी रहता है, तो मानसिक दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और फिर शारीरिक दृष्टिकोण से भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबी जिनको बीमारियाँ चल रही, जैसे थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारी का सामान्य ध्यान दीजिए। बहुत घबराने की, बहुत डरने की जरूरत नहीं है इस सप्ताह के लिए। फाइनली यदि हम बात करते हैं प्रेम प्रसंग की, तो भाई वही बात दोहराऊंगा कि सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग में अधिकतर समस्या यही आती है कि सहयोग नहीं मिलता, घर परिवार वालों का सहयोग नहीं मिलता है या किसी भी तरह से सहयोग नहीं मिलता है, जिस वजह से फिर वो रिश्ते जो है वो असफल भी हो जाते हैं, या फिर आप यदि प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो असफल इस बात में हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा मानसिक सहयोग की वजह से, चूंकि मानसिक सहयोग की ही जरूरत होती है यहाँ पर, तो मानसिक सहयोग की वजह से आपको खुशी रहेगी, उत्साह रहेगा और एक्सेप्टेंस भी आपको यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंग को मिल सकता है, जो कि आगे चल के विवाह के रूप में तब्दील भी आपका प्रेम प्रसंग हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर हमने चर्चा की है कि मेष राशि के जातकों के लिए जो समय है, जो सप्ताह है, वो कैसा जाने वाला है। यदि आपको ये बात समझ में आई और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह यह है
कि आपको यहाँ पर इस चैनल पर खुद की कुंडली खुद पढ़ना भी सिखाया जाता है। यहाँ पर ढेर सारे से वीडियोस मैंने बना करके रखे हैं, ढेर सारे से सीरीज हैं जहाँ पर जाकर के कुंडली आप खुद भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर समय समय पर राशिफल तो जानने को मिलते हैं, लेकिन जो ज्योतिषीय घटनाएं जैसे किसी ग्रह का वक्री होना, मार्गी होना, राशि परिवर्तन कर लेना या फिर सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण इत्यादि का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इस तरह के ज्योतिषीय घटनाओं पर भी आपके ऊपर प्रभाव को यहाँ पर मैं बताता हूँ और राशिफल भी बताता हूँ और अपडेट्स भी यहाँ पर देते रहता हूँ। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका फायदा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपसे विदा लूंगा, आने वाले वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।